सबसे पहले आपने एक वेबसाइट गूगल क्रोम पे जाके, तो आपने एक जो वेबसाइट है वो ओपन करनी है www.kivaind.org। तो जब आप ये साइट डालेंगे तो आपको इस तरीके का जो पेज है ये खुल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके का पेज खुल जाएगा। और यहाँ पे जो एक रेड सर्कल में जो लॉगिन लिखा हुआ है वहां पे आपने इसको लॉगिन कर लेना है, राइट। तो जब ये पेज खुल जाएगा तो आपने यहाँ पे जो रेड सर्कल में जो लॉगिन लिखा हुआ है यहाँ पे आपने इसको लॉगिन करना है, और फिर उसके आगे का जो पेज खुलेगा वो इस तरीके का होगा, राइट। जब आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है वो आपने यहाँ पे फिल कर लेनी है, जो आपका पासवर्ड है वो आपने यहाँ पे फिल कर लेना है, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे जो लॉगिन का जो बटन है इसको आपने यहाँ पे प्रेस कर देना है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है। पहला स्टेप हमने www.kivaind.org हमने क्लिक करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये जो पेज है, ये जो ब्लू सा पेज है आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, जो भी आपकी आईडी आपको मिली हुई है वो आपने डालनी है, नीचे आपने पासवर्ड डालना है अपना, राइट। और उसके नीचे ये जो नीचे वाला बटन दिया गया है लॉगिन का बटन, आपने इसको प्रेस करना है। ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी, बिल्कुल आराम से सीखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। और साथ में करते रहिए ताकि आपको पता भी चल सके। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का जो पेज है ये खुल जाएगा, राइट। और जब आपके पास पेज खुलेगा, अब हमने क्या करना है, अब हमने आईडी लगानी है। तो आईडी लगाने के बाद ये जो यहाँ पे होम के नीचे रजिस्टर नाउ का जो यहाँ पे लिखा हुआ है बटन बना हुआ है जिसके ऊपर रेड मार्क दिया गया है, तो आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है, राइट। रजिस्टरिंग नाउ को आपने क्लिक करना है अगर आप नई आईडी लगाना चाहते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आप नई आईडी लगा रहे हैं, आपके पास कोई नया कस्टमर आया है, नया प्रोस्पेक्ट आया है, नए पर्सन को आप अपने नीचे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपने अगर उसकी आईडी लगानी है तो आपने रजिस्टर नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे फिर आपने क्या करना है, इस तरीके से सबसे पहले आपने पासवर्ड डालना है, ये आपने डालना है, राइट। पासवर्ड जो नई आईडी आप बनाना चाहते हैं उसका पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे, राइट। फिर जो स्पॉन्सर आईडी है, अब ये जो स्पॉन्सर आईडी है यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिखनी है। अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप किसी को लेके आए हैं, राइट, किसी पर्सन को आप लेके आए हैं, तो वहां पे स्पॉन्सर आईडी आपकी डलेगी, राइट। अगर 1 2 3 4 5 आपकी आईडी है तो आपने अपनी आईडी यहाँ पे डालनी है, और यहाँ पे जो आपका नेम है ये आपका इस जगह पे डलेगा, जो आपको यहाँ पे जो एरो, जो रेड एरो आपको दिखाई दे रहे हैं। ऊपर आपने जहां पे पासवर्ड लिखा हुआ है, कंफर्म पासवर्ड है, वहां पे आपने जो पासवर्ड है कोई भी अपनी जो टीम है उसके लिए सेट कर सकते हैं, और नीचे स्पॉन्सर आईडी में आपने अपना डालना है। उसके बाद फिर दोस्तों चीज आती है कि लेफ्ट और राइट। अब देखिए, अब हमारा जैसे प्लान है, टू लग प्लान है, तो लेफ्ट में लगाना चाहते हैं कि राइट में लगाना चाहते हैं। तो आपने अगर लेफ्ट में लगाना है तो लेफ्ट के ऊपर क्लिक करना है, राइट पे लगाना है तो राइट के ऊपर क्लिक करना है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, राइट। जहां पे भी आईडी लगाना चाहते हैं पहले पेपर के ऊपर आईडी बना लीजिए, फिर देखिए कि आपने किसको कहां पे प्लेस करना है, लेफ्ट पे किसको प्लेस करना है, राइट पे किसको लगाना है आपने, तो उस तरीके से आप इसको बनाते रहिए। और फिर उसके नीचे दोस्तों आपने जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे उनकी भरनी है, राइट। नाम हो गया उनका, फादर नेम हो गया, मेल है फीमेल है, जो भी एड्रेस वगैरह है। तो जो पर्सनल डिटेल है डाउनलाइन मेंबर की, आपने अपनी नहीं भरनी है, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आप एक नई आईडी लगा रहे हैं, किसी और की आईडी लगा रहे हैं, तो आपने उनकी इंफॉर्मेशन भरनी है, क्योंकि उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो बैंक डिटेल है सभी आपके पास होंगी, या आप उनके सामने भी बैठे हैं, तो उनके सामने भरिए, बल्कि उनसे भरवाइए ताकि वो खुद भी सीख सकें। देखिए, मैं आपको ये चीज कह रहा हूं कि आपने ये चीज सिखानी भी है, आप सीखिए, साथ में नोट करते रहिए, और बाद में उसको सिखाना भी है आपने, राइट। बिल्कुल सिंपल चीज होगी, यहाँ पे डिटेल आपने भर दी। अब आगे चलते हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आगे देखते हैं। अब आगे जो उनका ऑक्यूपेशन है, क्या काम करते हैं, या जो उनका अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे फिल करना है।
जो भी अकाउंट डिटेल होगी वो आपने इस जगह पे, ये जो दिया गया है रेड मार्क जो सर्कल है उसके नीचे वाली जगह पे आपने ये सारे फिल करने हैं, राइट। अब नॉमिनी इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पे आपने नॉमिनी जो आपकी डाउनलाइन जिसको आप लगा रहे हैं वो किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, अपने फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को, वाइफ को, हस्बैंड को या बच्चों को, जिनको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो उनकी जो डिटेल है वो आपने यहाँ पे भरनी है, राइट। और उसके नीचे यहाँ पे आपने डिटेल भरी और उसके नीचे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने वहां पे डाउनलाइन मेंबर की जो फोटो है वो आपने अपलोड करनी है, आपने उनसे पिक ले लेनी है और उनसे जो फोटो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, यहाँ पे चूज फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप उनकी जो फोटो है वो अपलोड करेंगे। अगर आपके फोन में होगी चूज फाइल करेंगे तो वहां से आप गैलरी वगैरह में जाके वहां से जो फोटो है वो आप चूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो फोटो आ जाएगी। और दूसरी चीज आ जाएगी यहाँ पे इस तरफ, तो ये चीज है कि आधार कार्ड का, आधार कार्ड की फोटो आपने मोबाइल में क्लिक करके रखिए, आपके पास आएगी, उनकी जो फोटो है वो क्लिक करके रखिए, जो भी पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह होगा तो वो आपने यहाँ पे चूज करना है और सबसे लास्ट में फिर आपने ये सबमिट कर देना है, राइट। ये सभी चीज सभी को समझ आ गई कि यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन डालनी है। मैं दोबारा से फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, नॉमिनी इन्फॉर्मेशन भरनी है, नॉमिनी यानी कि वो आगे किसको ट्रांसफर करना चाहेंगे अपने बाद, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भर देनी है यहाँ पे। उसके बाद चूज फाइल, अगर आप जो भी डाउनलाइन मेंबर है पहले तो उसकी फोटो जो है वो चूज फाइल करके, जो फोटो आपके मोबाइल में होगी या कहीं से भी, आपने उसको यहाँ पे लगाना है, फोटो को डालना है। और फिर आपने दूसरी तरफ जो है आधार कार्ड की जिनकी जो कॉपी है वो आपने यहाँ पे लगानी है और आपने इसको सबमिट कर देना है, राइट। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो एक जो नए आईडी है वो आपकी यहां से प्लेस हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। किस तरीके से आईडी लगाई है हमने, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखा है, सिर्फ 2-3 स्टेप हमने करने हैं और हमारी जो आईडी है लेफ्ट में है, राइट में है, आपने खुद लगानी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। नई आईडीज लगाइए, जो भी नए लोगों को आप मिल रहे हैं, और लीडर से रिक्वेस्ट है कि अपने सामने अपनी टीम को आईडी लगाना सिखाइए। जैसे अभी हमने देखा, बार बार उनको बोलिए कि आपने कम से कम नहीं तो 10 आईडी 20 आईडी खुद लगानी है आपने, आईडीज लगाइए डेली बेसिस पे लगाइए ताकि आप भूल ना सकें, और यही चीज आपने अपनी टीम को ट्रेनिंग भी देनी है। तो दोस्तों बिल्कुल है, बिल्कुल सिंपल है आईडी लगाना, हमने देख लिया कि किस तरीके से आईडी लगाई जाती है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं आगे क्या चीज आ रही है। तो दोस्तों आगे आ रही है कि हम अपनी जो डाउनलाइन रिपोर्ट है वो किस तरीके से चेक कर सकते हैं। डाउनलाइन को अगर हम अपने चेक करना चाहते हैं कि हमारी डाउनलाइन में क्या क्या चीजें हो रही हैं, कौन कौन है, तो उसको हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, आइए बिल्कुल सिंपल वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको पेज दिख रहा है जहां पे पहले आप रजिस्टर नाउ में गए थे, अब उसके नीचे ये जो लाल सर्कल, रेड सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डाउनलाइन सेक्शन लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है डाउनलाइन सेक्शन के ऊपर, जो क्लिक करेंगे आप यहाँ पे तो आपको फिर कुछ इस तरीके का जो पेज है वो आपको दिखाई देगा, राइट। ये पूरा जो पेज है ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे आपको अचीवर फोटो गैलरी दिखाई देगी, रिवॉर्ड अचीवर ग्रुप दिखाई देगा, डाउनलाइन की रिपोर्ट दिखाई देगी, स्पॉन्सर डाउनलाइन रिपोर्ट दिखाई देगी, डाउनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर ग्राफ दिखाई देगा, रेफरल ट्री दिखाई देगा, आपको रिपर्चेज डिस्ट्रीब्यूटर ग्राफ दिखाई देगा, यानी कि ये सारी जो चीजें हैं वो आपको डाउनलाइन रिपोर्ट में, डाउनलाइन सेक्शन में ये जो सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलाइन सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चीज आपके सामने आएगी डाउनलाइन सेक्शन में। और अब इस चीज को, एक एक चीज को हम यहाँ पे देखेंगे कि किस किस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। डाउनलाइन का जो मेन्यू है वो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, राइट। अब देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे आती हैं। तो ये फोटो गैलरी ग्रुप है, राइट। ये यहाँ पे आपको इस तरीके से जो पेज है वो दिखाई देगा, क्योंकि ये एक डमी आईडी है, तो आपको अगर जिस तरीके से आपकी आईडी होगी तो आपको उस तरीके से आपकी जो फोटो गैलरी है वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगी, अगर आप यहाँ पे फोटो गैलरी ग्रुप के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, राइट। और उसके बाद फिर आपको दिखाई देगा अचीवर्स ग्रुप।
अचीवर्स ग्रुप में आपको क्या दिखाएगा, इस तरीके से आपको अचीवर्स ग्रुप दिखाई देगा कि क्या अचीवमेंट हो रखी है आपके ग्रुप में, तो वो सारी जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे इस पेज के ऊपर आपको दिखाई देंगी। ये सारी चीजें जो आपको डाउनलाइन सेक्शन में दिखाई देंगी जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया था। अब इसके आगे चलते हैं अचीवर ग्रुप्स के आगे, तो इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जो डाउनलाइन की रिपोर्ट है, डाउनलाइन रिपोर्ट आपको इस तरीके से दिखाई देगी। ये जो सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं कि डाउनलाइन किस तरीके से है, क्या क्या चीजें हैं डाउनलाइन में, तो वो सारी जो चीजें हैं वो पूरा जो यहाँ पे जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा। इस तरीके का जो पेज है वो डाउनलाइन रिपोर्ट में आपके सामने खुलेगा, राइट। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे सामने आ रही हैं, राइट। तो अब ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डाउनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर ग्राफ आपको दिखाई देगा। ये इस तरीके से ग्राफ आपको दिखाई देगा कि सबसे ऊपर आप दिखाई देंगे, आपके फिर लेफ्ट में क्या चल रहा है, राइट में क्या चल रहा है, आपके नीचे कौन है, उनके नीचे कौन है, उनके नीचे कौन है। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको ग्राफ के रूप में दिखाई देंगी कि किस तरीके से आपने प्लेस किया है। जब आप आईडी लगाएंगे तो आपके नीचे इस तरीके से वो सारी जो चीजें हैं वो आपको दिखाई देंगी, लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है। इस तरीके से जो पूरा ग्राफ है वो आपको यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये सभी चीजें हमें यहाँ पे पता चल गई कि कैसे है, किस तरीके से है, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको स्पॉन्सर डाउनलाइन रिपोर्ट दिखाई देगी। ये जो स्पॉन्सर डाउनलाइन रिपोर्ट है, यानी कि आपकी जो स्पॉन्सर की जो डाउनलाइन जो भी आपकी चल रहा है, आपने जिसको स्पॉन्सर किया है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो 400 बीपी करते हैं करंट मंथ में, जिन्होंने 400 बीपी किया है, तो जो आपके स्पॉन्सर में जिन्होंने किया है, तो सबसे पहले वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। बिल्कुल क्लियर चीज है कि जो स्पॉन्सर डाउनलाइन रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पे जो है वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, राइट। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या चीज आ रही है। तो यहाँ पे आपको रेफरल ट्री जो है वो आपको दिखाई देगा, जो चीज आपने रेफरल की हुई है वो सारी जो चीजें हैं वो आपको इस पेज के ऊपर आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। जिस तरीके की आपकी आईडी होगी, जो चीज आपकी रेफरल की होगी, वो जो पूरा ट्री है वो आपको यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, ज्यादा हमने इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सी चीजें हैं। जैसे जैसे चीजें आ रही हैं वैसे वैसे हमने इसको करते चले जाना है। अब जो रीपरचेज डिस्ट्रीब्यूटर ग्राफ है उसका पेज आपको इस तरीके से दिखाई देगा, रीपरचेज का। जिन्होंने सबसे पहले तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 400 बीपी का, जो करंट मंथ में 400 बीपी हमें करने पड़ेंगे, तब हमें यहाँ पे रीपरचेज डिस्ट्रीब्यूटर ग्राफ दिखाई देगा। इस चीज का हमने ध्यान रखना है, राइट, कि अगर हम 400 बीपी करते हैं करंट मंथ में, इस मंथ में अगर हमने 400 बीपी कर लिया है तो हमें ये जो रीपरचेज डिस्ट्रीब्यूटर ग्राफ है तो हमें ये यहाँ पे दिखाई देगा। तो सुनिश्चित कीजिए कि आपने 400 जो बीपी हैं वो आपने जरूर किए हों, वो किए होने चाहिए अगर आप ये वाला जो ग्राफ है वो देखना चाहते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं तो दोस्तों अब आगे देखते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि आप अपनी इनकम रिपोर्ट कैसे चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली इनकम जो है वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मुझे कितना बोनस आ रहा है, कितना बोनस आ रहा है मेरे को वो चेक करना है, राइट। तो उसके लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी वो बिल्कुल आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। डायरी पेन है तो साथ में लिखते रहिए कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या चीज आती है। तो सबसे पहले आपने जाना है यहाँ पे इनकम सेक्शन पे। जब आप यहाँ पे वो जो डाउनलाइन सेक्शन है उसके नीचे फिर आता है इनकम सेक्शन, कि अगर आप इनकम चेक करना चाहते हैं, आपको क्या इनकम आ रही है, कौन कौन सी इनकम आ रही है, अगर आप वो चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इनकम सेक्शन के ऊपर जाना पड़ेगा, राइट। तो आइए अब इसको भी ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं इनकम सेक्शन में हमें क्या क्या करना पड़ेगा। जब आप इनकम सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी ऑप्शंस वहां पे दिखाई देंगी। रीपरचेज पैक वीकली इनकम आपको दिखाई देगा, बीवी पैक वीकली इनकम आपको दिखाई देगा, डेली बीवी पैक इनकम रिपोर्ट आपको दिखाई देगी, वीकली इनकम, मंथली इनकम, डायरेक्टर लेवल इनकम, चेयरमैन क्लब इनकम, ये सभी जो इनकम है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। इस तरीके से जो मेन्यू है वो आपको साइड में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब आप जो कोई भी जो भी इनमें से इनकम चेक करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल सिंपल सी चीज है,
इनकम चेक करना चाहते हैं, खुद अपनी इनकम चेक कीजिए किस तरीके से आपको इनकम आ रही है, राइट। भाई इसको भी आसानी से समझते हैं कि इनकम जो है वो किस तरीके से हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जब हम देखेंगे कि रीपर्चेज पैक वीकली इनकम जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, कि इस तरीके से जो इनकम पैक है वो आपको दिखाई देगा कि कैसे ये इनकम जो है वो हमें आ रही है, राइट। तो ये हमें पता चल गया कि कैसे आ रही है। आगे चलते हैं, ये जैसे करंट वीक रीपर्चेज आरपी मैचिंग डिटेल हो गया जो पेंडिंग है, या वीकली रीपर्चेज पैक क्लोटिंग रिपोर्ट जो है वो, क्लोजिंग रिपोर्ट जो है वो पेंडिंग है, तो ये सभी हमें रीपर्चेज पैक स्टेटस में दिखाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे बीवी पैक वीकली इनकम रिपोर्ट। जो बीवी पैक है उसकी जो क्लोजिंग रिपोर्ट है, जो वीकली इनकम रिपोर्ट है, वो आपको इस तरीके से इस पेज के ऊपर दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। जब आप बीवी पैक वीकली इनकम के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो बीवी पैक की जो रिपोर्ट है, इनकम रिपोर्ट है, वो आपको यहाँ पे आएगी कि बीवी पैक का वीकली इनकम आपको कितना आ रहा है, कितना आया है आपको, तो वो आपको यहाँ पे सारा जो चार्ट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब इसके आगे क्या है, अब इसके आगे आता है डेली बीवी पैक इनकम रिपोर्ट। अब डेली बीवी पैक का जो इनकम रिपोर्ट है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि डेली का हमें जो इनकम रिपोर्ट है बीवी पैक का वो कितना आ रहा है, तो वो भी हमें, यानी कि पूरे दिन से, पहले दिन से लेके महीने के आखिर तक जो भी चीजें हैं वो आपको सारी आपके ग्राफ में जो इनकम रिपोर्ट सेक्शन है उसमें आपको वो सारी चीजें जो दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। अपनी इनकम रिपोर्ट खुद चेक कीजिए कि किस तरीके से इसके ऊपर काम किया जा सकता है, राइट। अब आगे देखते हैं, उसके बाद आता है वीकली इनकम ऑप्शन। तो जब आप वीकली इनकम ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज आपको खुलेगा, जो भी आपकी वीकली इनकम बनेगी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अपनी वीकली इनकम जो है, पूरी इनकम जो है वो आप खुद चेक कीजिए, राइट, खुद सीखिए, बार बार देखिए कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, उनके ऊपर काम कीजिए, राइट। बिल्कुल सिंपल चीज है दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार करेंगे तो आपको अपने आप जो चीजें हैं वो पता लगनी शुरू हो जाएंगी, राइट। आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं मंथली इनकम ऑप्शन। अब जो मंथली इनकम भी आ रही है उसका जो ऑप्शन है वो आपको किस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मंथली इनकम ऑप्शन जो है वो आपको इस तरीके का जो पेज है वो आपका वहां पे खुलना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारी डायरेक्टर लेवल इनकम ऑप्शन। ये आपको इनकम तभी दिखेगी जब आप डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो जो डायरेक्टर लेवल पे हैं वो अपनी इनकम को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का जो पेज है वो उनको, उनके लिए खुलेगा, और वो जो डायरेक्टर लेवल इनकम ऑप्शन है वो आपको यहाँ से इस तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज है दोस्तों, खुद कीजिए, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा किस तरीके से की जा सकती है। और फिर आता है हमारा चेयरमैन लेवल इनकम ऑप्शन। अब जो चेयरमैन लेवल पे हैं जब वो क्लिक करेंगे तो चेयरमैन लेवल की इनकम ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी आज के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो भी कीवा के जितने भी लोग हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो सभी चेयरमैन क्लब में जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनकम लेवल की कोई सीमा नहीं है। बहुत अच्छा लेवल है, बहुत अच्छी यहाँ पे इनकम जो है, बोनस जो है वो आपको दिखाई देने जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये जो तीनों चीजें हैं, जैसे कि हमने ज्वाइनिंग के बारे में देखा हमने कि किस तरीके से जो ज्वाइनिंग है वो हम चेक कर सकते हैं, अपनी डाउनलाइन की जो रिपोर्ट है वो हम किस तरीके से देख सकते हैं, डाउनलाइन में क्या चीजें हो रही हैं, किसको लगाया है, राइट, यहाँ पे कितना बिजनेस हो रहा है वो हम सारा देख सकते हैं, और हम जो हमारा इनकम है, जो बोनस है वो किस तरीके से बन रहा है वो भी हम इसको आसानी से सीख सकते हैं, राइट। अब दोस्तों हमने ये तो पता कर लिया कि हाँ किस तरीके से देखी जा सकती है, लेकिन अब इसके ऊपर थोड़ा सा अगर हम बात करें तो मुझे आपका सिर्फ 5 मिनट और चाहिए, तो 5 मिनट धैर्य रखिएगा, क्योंकि जो मेन चीज है वो अब हमारे सामने आएगी कि किस तरीके से हम यहाँ पे जो बिजनेस है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी टीम में 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 10 ऐसे लोग जो हमारी टीम है, जो काम हमने बोला वो काम उन्होंने किया, और हमने अगर डेली की एक आईडीबी, अगर मैंने और मेरी टीम ने, जो 10 लोग हैं, अगर हमने सारी सबने मिलके
अगर दिन में हम एक आईडी भी लगाते हैं तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों एक दिन में अगर हम एक आईडी लगाते हैं तो अगर 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो यानी कि 10 आईडी हमारी लग सकती हैं डेली की मिनिमम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। जो भी हम मीटिंग कर रहे हैं 10 लोगों से कर रहे हैं, 20 से, 50 से, 5 से, 3 से, 2 से, लेकिन टारगेट एक छोटा सा छोटा टारगेट कि हमने एक आईडी तो हमने डेली की लगानी ही लगानी है। मिनिमम टारगेट दोस्तों हमेशा लेके चलिए कि कम से कम मैंने एक आईडी तो लगानी ही लगानी है। खुद आईडी लगाइए, अपने आप आईडी लगाइए, अपनी टीम को आईडी लगाना सिखाइए, लेकिन ये काम हमने करना ही करना है, डेली की हमने एक आईडी मिनिमम लगानी है। तो दोस्तों अगर हम 30 दिन इस तरीके से काम करते हैं तो एक महीने में मेरी टीम के नीचे 300 आईडी मिनिमम लग सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर दिन की एक आईडी लगाते हैं और अगर मेरी टीम में 10 लोग हैं, 30 दिनों में मेरी टीम में 300 आईडी एक महीने में लग सकती हैं, अगर मैं सिर्फ एक आईडी लगाता हूं और मेरी टीम भी एक एक लगाती है। हालांकि मुझे पता है कि एक आईडी कुछ भी नहीं होता है, हम लोग एक दिन में 10-10, 20-20, 30-30 आईडी जो है वो आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ताकि जितने भी लोग हैं, जो नए पर्सन भी आए हैं, ताकि उनको भी आसानी से पता चल सके कि कितने आसानी से टारगेट लेके हम इसमें जो लेवल्स हैं वो हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम 30 दिन में 300 आईडी लगा रहे हैं तो 2 महीने में हमारे पास 600 आईडी मिनिमम हो सकती है उन्हीं 10 लोगों से। मैंने यहाँ पे पर्सन नहीं बनाए हैं, मैंने 10 ही लगे हैं। तो चाहे 10 लोग आप पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने, जो नए लोग हैं अगर उनके पास अभी टीम नहीं है तो अगर आप टीम के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, चाहे 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 10 महीने आपके ऊपर है, लेकिन हमें ऐसे 10 लोग चाहिए और हमने सबसे आईडी जो है वो लगवानी है। और अगर हम मैं इस तरीके से काम करता हूं तो दोस्तों 6 महीने में अगर मैं दिन में सिर्फ एक आईडी लगाता हूं, सारा दिन जो मर्जी काम कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जॉब कीजिए, बिजनेस कीजिए, कुछ मर्जी कीजिए, लेकिन एक छोटा सा टारगेट कि मेरे डेली की एक आईडी लगानी है, एक पर्सन से मिलना है आईडी लगानी है, मिलना है 2 से मिलिए 5 से मिलिए, लेकिन एक आईडी तो लगानी है, चाहे 10 से मिलिए, लेकिन एक आईडी तो लगानी ही लगानी है, राइट। तो दोस्तों मेरी टीम में आने वाले 6 महीने में 1800 आईडी मिनिमम लग सकती है। हालांकि मेरे को पता है कि ये जो आईडी की संख्या है 6 महीने में 5000 से कम नहीं होने वाली है, लेकिन हम मिनिमम टू मिनिमम लेके चल रहे हैं कि अगर दिन में सिर्फ एक ही आईडी लगाते हैं तो भी 6 महीने बाद मेरी टीम में 1800 आईडी लग सकती हैं। दोस्तों 1800 आईडी कम नहीं होती हैं, लेकिन अगर एक आप मिनिमम टारगेट लेके चलेंगे तो ये चीज इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल है, हो सकती है 1800 आईडी मेरी टीम में आसानी से लग सकती हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं किस तरीके से जो चीजें हैं वो हमारे सामने आने वाली हैं। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है कि हमारा पहला काम क्या है कि हमने सबकी दुकान चेंज करनी है। जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जो नया पर्सन भी आया है तो हमने सबकी दुकान चेंज करनी है। और अब अगर मैं हर एक के घर का मिनिमम बजट लेके चलूं, 4-5 हजार होता है, लेकिन चलो अगर हम छोटे कम से कम भी मानते हैं, जो कि एवरेज मिडिल क्लास को भी अगर हम मानते हैं तो 2500-3000-3500 तक सबका होता है। हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं कि 3000 रुपए का बजट हर किसी के घर का होता है, हर किसी के घर का, सुबह से लेकर शाम तक के जो भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, ऑयल हो गया, आपका जो किचन के जो भी प्रोडक्ट आपके हो गए, बहुत सारी चीजें हैं, वॉशरूम के जो भी प्रोडक्ट हो गए आपके, जो मर्जी लीजिए, जो चीज वो दुकानदार से परचेज कर रहे हैं वो अगर वो हमारे से परचेज करना शुरू कर दें। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भाई आज तक हमने दुकानदार से ही परचेज किया है, करियाना की दुकान से ही परचेज किया है, आज तक हमें उसके रिवर्स में क्या मिला है? कभी कोई कैशबैक मिला है? नहीं। कभी कोई टूर मिला है? नहीं। कभी कोई हमने कार अचीव की है, कभी करियाने वाले ने हमें कभी कार दी है? नहीं। कभी कोई बोनस दिया है? नहीं। तो अगर हमें ये सभी चीजें नहीं मिली हैं तो अगर हम ये देखें कि अगर हमारी दुकान चेंज करने से, देखिए सामान तो हमने वैसे भी लेने लेना है, टूथपेस्ट, टूथब्रश हो गया, कोलगेट वगैरह, ये वो हमने वैसे भी लेने लेना है, लेकिन हम तो एक ही चीज कह रहे हैं कि वो दुकान छोड़ के अगर आप कीवा की दुकान से ये जो प्रोडक्ट है ये लेना शुरू कर दें तो इसमें आपका घाटा कहाँ पे है पहले तो मुझे ये बता दीजिए। कहीं पे कोई घाटा नहीं हो रहा है आपको? आज तक कभी किसी टूथपेस्ट की आप कभी शिकायत लेके गए हैं दुकानदार के पास कि भैया आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, हम कभी भी नहीं गए हैं। तो दोस्तों जो चीज हम डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं अगर हम सिर्फ उसी को पहले अपना जो लोगों तक पहुंचाएं और उनको यही चीज समझाएं कि भाई भाई साहब अगर आप दुकान चेंज कर लेंगे तो ये चीजें आपको मिल सकती हैं,
तो अगर दोस्तों हम 3,000 रुपए की भी किसी की, देखिए 135 करोड़ की आबादी है भारत में, राइट, हमें कुछ ही लोग चाहिए, कुछ लोग, कितने लोग चाहिए वो अभी हम देख लेते हैं, कुछ लोग चाहिए जिनकी हम दुकान चेंज करना चाहते हैं, जिनको हम इसके लिए, क्या हम 135 करोड़ लोगों में से कुछ लोगों को दुकान चेंज करने के लिए नहीं मना सकते? डेफिनेटली मना सकते हैं दोस्तों, डेफिनेटली। आइए देखते हैं किस तरीके से बिजनेस निकल सकता है इसमें। तो अगर आपकी 300 आईडी है, राइट, अगर आप 300 आईडी की वहां पे दुकान चेंज कर देते हैं पहले महीने में, अगर आप भी एक महीने में 30 लोगों की दुकान चेंज करते हैं, आपकी टीम में 10 लोग हैं वो भी 30-30 लोगों की दुकान चेंज कर देते हैं, तो टोटल 300 आईडी बनती है आपकी एक महीने में, यानी कि 9 लाख रुपए का जो बिजनेस है, क्योंकि 3,000 रुपए हर कोई इसमें मिनिमम परचेज कर सकता है, लोगों का बजट ज्यादा होता है, 4-5 हजार होता है, हम तो मिनिमम से मिनिमम लेके चल रहे हैं कि 3,000 रुपए का सामान, तो दोस्तों 9 लाख का बिजनेस महीने में निकल सकता है, अगर जिसके पास 10 लोगों की टीम होगी तो महीने में, अगर वहां पे 5 लोगों की टीम होगी तो 2 महीने में, तो ये आपके ऊपर है, अगर जिसके पास 20 लोगों की टीम होगी तो 15 दिन में ही ये जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है। उसके बाद अगर आपकी टीम में 600 लोगों की आईडी लग जाती है और अगर आप 600 लोगों की दुकान चेंज कर देते हैं तो दोस्तों 18 लाख रुपए का बिजनेस। ये नहीं है कि एक महीने होगा अगले महीने होगा, नहीं, क्यों भाई, अगले महीने में तो सामान परचेज करना है उसने, ये आपका पर मंथ का जो बिजनेस है ये आपका इस तरीके से निकलना शुरू हो जाएगा, पर मंथ का, इसको सीरियसली लेके चलिए। उसके बाद 6 महीने के बाद तस्वीर देखिए कहां पे पलट रही है, 6 महीने बाद अगर आपकी टीम में अगर सिर्फ एक ही आईडी लगा रहे हैं, कोई ज्यादा काम हमने किया ही नहीं, 1800 लोगों की आईडी लगवाई हमने, उनकी दुकान चेंज की, तो दोस्तों 54 लाख रुपीज का जो बिजनेस है ये पर मंथ आपको आना शुरू होगा, पर मंथ जो बिजनेस है ये आपकी टीम को मिलना, आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ये जो बिजनेस है, आप खुद देखिए आपका बोनस कहाँ पे जाने वाला है, आपका लेवल कहाँ पे जाने वाला है। इस तरीके से चलेंगे तो 4-5 महीने में ही डायरेक्टर लेवल आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से हमने चलना है, तो डेफिनेटली जो बिजनेस है वो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और मैं लास्ट में बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी की ज्वाइनिंग लगवाते हैं तो दोस्तों वहां से ऑर्डर आपने जरूर लेना है, ये नहीं है कि ज्वाइनिंग लगा के उनका थैंक यू बोल के, नमस्कार बोल के, सत श्री अकाल बोल के घर आ गए, नहीं, आपकी क्लोजिंग तब तक नहीं होगी जब तक आपके हाथ में ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि तब तक उस क्लोजिंग का, उस मेहनत का कोई फायदा नहीं है जब तक आपके पास ऑर्डर नहीं होगा। हम क्या करते हैं, हम शर्मा जाते हैं, यार किस मुंह से मांगेंगे, अरे दोस्तों बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपने उनकी दुकान चेंज कर रहे हैं तो उनको बोलिए, वहां पे आपने उनको ऑप्शन देनी है कि भाई साहब आपको कैसा लगा, लेना चाहते हैं, बिल्कुल, तो उनको ये नहीं बोलना कि लेना कि नहीं लेना है, उनको सिर्फ आपने वहां पे